मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएँ पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का MLA हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ उसको बंद होना चाहिए, ये गलत है। देश में जो हाल है कि सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, सरकार 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया था पंचायती राज और नगरीय निकाय में भी लागू है कि चुनाव लोग लड़ते रहेंगे, अपने आप प्रत्याशियों को जिता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम ना हो। यदि ये आज मैहर में हुआ तो बहुत बहुत गलत होगा, ये आपके सामने बोल रहा हूँ। विधायक जी, जिस तरह सपना में एक वीडियो वायरल हुआ शराब परोसे जाने का, तुरंत पुलिस ने एक्टिव होकर के चुनाव आयोग ने मामला दर्ज कर लिया। मैहर में विगत 2 दिनों से इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए, कई प्रत्याशियों के वायरल हुए, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कोई गरीब प्रत्याशी यदि शराब की तमाम पेटियां पकड़ता है, धोतियां पकड़ता है, तो उसके ऊपर और आरोप लगा दिए जाते हैं। और जो धनाढ्य धन संपदा से मजबूत है, खुलेआम दिन दहाड़े रुपया पैसा धोती शराब ये बांटते दिख रहे हों और उनके साथ प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा हो, पुलिस तंत्र सपोर्ट कर रहा हो, तो ये निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार है। और ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया में अब लगता है कि हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के लोगों को भाग भी नहीं लेना चाहिए। जब अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो इससे बेहतर है कि इतनी बड़ी इतने बड़े सिस्टम को चलाने का और निर्वाचन कराने कोई औचित्य नहीं।